तो स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस में, आज के हिस्ट्री क्विज कंपटीशन में क्लास 7 के बच्चों के बीच। और यहाँ पर ये पहला राउंड है और जो भी बच्चे गलत जवाब देंगे वो इस राउंड से मतलब बाहर हो जाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। यहाँ पे उदय क्लासेस लगातार बच्चों के प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है ताकि बच्चे अपने फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह के कंपटीशन से डरे नहीं और उसका एकदम डट के सामना करें। उदय क्लासेस का यही प्रयास है हमेशा। और आप सभी बच्चे पूरी तैयारी के साथ आए हैं? वेरी गुड। सभी लोगों को पूरा अच्छे से इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना है, पूरा सपोर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपटीशन को। और यहाँ पर पहला सवाल कुमकुम जी से, ठीक है, एक के बाद एक सवाल बढ़ते चले जाएंगे और आप लोग जवाब देते चलेंगे। अब बताएंगे कुमकुम जी कि अमीर खुसरो कौन थे? महान विद्वान एवं कवि। वेरी गुड, महान विद्वान एवं कवि थे। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1253। चलो ठीक है। नीतू जी बताइए, कौन सी पुस्तक मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है? नेक्स्ट प्रिया, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति कौन बनाते थे? नकल नवीस। ठीक है गुड़िया जी, आपका है ना, बताइए। तो जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है? अभिलेखागार। ठीक है, जो भी बच्चे जवाब देंगे लाउडली देंगे ताकि आवाज़ यहाँ तक पहुँच सके और रिकॉर्ड होगा, है ना। नेक्स्ट, अरब के भूगोल वेता अल इंद्रिसी ने कब मानचित्र बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया? 1154 ईस्वी में। वह कौन अरबी भूगोल वेता थे? ठीक है, वे कौन अरबी भूगोल वेता थे जिसने भारत को विश्व मानचित्र में दर्शाया? अल इद्रिसी। अल इद्रिसी एक भूगोल वेता कहाँ के थे? अरब। अल इद्रिसी का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में। ठीक है नीतू जी, इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान शरीफ। वह व्यक्ति जो नक्शा बनाता है कहा जाता है? नेक्स्ट, सनातन धर्म को आज हम कहते हैं? ठीक है, नहीं, सनातन धर्म को आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुड़िया जी का रॉन्ग हो गया है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। ठीक है, तो पहले राउंड में यहाँ से, ठीक है, गुड़िया जी को विदाई देंगे और आप सभी, ठीक है, ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए बजाइए। ठीक है, ज़ोरदार तालियाँ। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट राउंड में।